उसको भी खांसी है। काय होय सोय रे होय खड्डा बंबा तू थाय जवळ खडकी। क्या बोलते खड्डा मार के गए पूजा पाठ करके, खड्डा अच्छा मांडी उत्ता खड्डा कमर के करीब करीब खड्डा मार के गए। हाँ तो पूजा पाठ वगैरह हुई उनकी, तो कपास वगैरह मेरी अच्छी खासी धींगाना हुआ, 10 एक फीट का 10x10 का एरिया खत्म कर दिया समझो। हाँ तो वही मैं बोला आपको कान पे डालना बात, नोन वगैरह कर देना बोले, सोचा मैंने कम्युनिकेशन वैसे बोले तो नहीं साहब अपन देख ही नहीं तो बोल भी नहीं सकते ना, देख ही नहीं अपन किसको क्या इल्ज़ाम लगाएंगे। खड्डा कैसा क्या होगा क्या मतलब है? साहब कैसा है अभी यहाँ पे तो जो है हमारे कपास मेले एक तो फसलों का टेंशन हो गया, और दूसरी बात रुई वगैरह का वन विभाग वाले इसके लिए कोई इंतज़ाम नहीं है, और दूसरी बात ये है पब्लिक जो हिमायत नगर की जो पब्लिक है लॉकडाउन की वजह से किसी के पास खाने के लिए प्रॉब्लम, हर चीज़ के लिए प्रॉब्लम होने की वजह से ये सारे जो है काम सुधर रहे। अब देखिए ना ये कपास लगी हुई खेत में यहाँ पे लोग जो है कल रात में 18 तारीख के रात में 10 के बाद हम लोग 10 बजे तक खेत में थे रखवाली को हरन वगैरह आ रहे बोले, 10 के बाद में जो है ये हमारे खेत में जो है खड्डा खोद के खजाने की तलाश में खड्डा खोदे, और यहाँ पे पूजा पाठ वगैरह सब उन्होंने किए वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली जो है गेरू वगैरह भी है, और ये एक आदमी का काम नहीं, 8 से 10 लोग जो है यहाँ पे रात में आके काम किए। और दूसरी बात ऐसा एक ही जगह नहीं, हर साल ऐसा कुछ होता है हमारे खेतों में, और मैं यही अपील करता हूँ ऊपर के लोगों से कि ये जो भी है जो भी कर रहे इनके लिए कुछ तो भी एक्शन लिया जाए। और ये जो है हमको एक तो ऐसी बारिश का मौसम में एक कपास का हाल देखो कैसा है, और ये कम से कम 10 फीट का एरिया इन्होंने जो है ख़त्म कर डाले, अब इसका नुकसान कैसा। तो मेरी एक अपील है आप लोगों से कि जो है ये इसका जो है मुझे इंसाफ चाहिए, और ये जो है हम लोग यहाँ पे रह तो नहीं सकते, और हम जाने के बाद में ये सब एक्शन ले रहे लोग, तो इसका जो है इंतज़ाम हो, जल्द से जल्द कार्रवाई हो इन लोगों पे, बस यही कहना चाहूंगा। पुलिस स्टेशन के कुछ एरिया के इन्फॉर्म करेगा, पुलिस स्टेशन मुझे आज ही कंफर्म हुआ तो आप लोगों को कंफर्म किया मैंने, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है पुलिस स्टेशन में भी अभी जाऊंगा थोड़ी देर में, साहब से मैंने बात करके तो पुलिस स्टेशन में भी एप्लीकेशन देने वाला हूँ। आपका ये ऐसा कितने दिनों से होता है ये काम? ऐसा तकरीबन साल में एक आध खड्डा तो मेरे खेत में कंपलसरी होता ही है, साल में एक आध खड्डा 5 से 10 लोगों का ग्रुप आता है, बाज़ाब्ता उनके हथियार वगैरह साथ में होते हैं, ऐसा कई बार हो चुका है, लेकिन इस बार जो है पहले ही नापी की है, और उसके अलावा लॉकडाउन से हम लोग खुद परेशान हैं, तो और उल्टा ये टेंशन नहीं तो क्या है, तो इसलिए जो है हम भी परेशान हैं। तो आप लोगों से सभी से निवेदन है कि जो भी है इस पर कार्रवाई हो, एक्शन हो,